नावीद जट के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। और इसके साथ बाकी जो दूसरा इसका जो था उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई, उसके बारे में हम कह नहीं पाएंगे कि वो एक्चुअल में कौन था जो इनके साथ सोचे दूसरा। इसका जो एम्फेसिस था वो मिलिटेंट लीडरशिप को टारगेट करना था, तो इसमें अगर देखें जो लिस्ट पीछे आया था उसमें से केवल 3 मिलिटेंट कमांडर बचे हैं, तो पुलिस कैसे इस ऑपरेशन को देखती है उस लिस्ट के साथ जोड़ के? मैं समझता हूँ कि मेरे साथ आईजी कश्मीर बैठे हैं और डे टू डे बेसिस के ऊपर बाकी हमारे जो फोर्सेस हैं उनके साथ तालमेल डेली बेसिस पे चल रहा है और हम अपनी स्ट्रेटजीज अपने काम को ऑपरेशनल काम को डे टू डे बेसिस पे रिव्यू करते हैं। मुझे लगता है कि जो बाकी कमांडर्स हैं वो भी हमारे ऑपरेशंस के टारगेट पे रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले टाइम पे और जो ऑपरेशनल काम है उसको बेहतरी से फोर्सेस और पुलिस मिलके अंजाम दें। और इसके साथ ही मैं पब्लिक को फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उनका तावन हमारे साथ इसी तरीके से रहना चाहिए। और नौजवान को मैं अपील करना चाहता हूँ कि फिर से वक्त आ गया है ये कहने का कि जो लोग हथियार छोड़ करके वापस अमन के रास्ते पे आना चाहें तो वो फिर से अमन की तरफ पहल करें। हम नहीं चाहते कि उनका बाल बच्चों को अगर कोई शादीशुदा है या उनके माँ बाप को जो नौजवान बच्चे इस वक्त भी मिलिटेंसी में हैं तो उनको दुख पहुँचे, उनको तकलीफ़ पहुँचे। हमें कोई खुशी नहीं होती है मिलिटेंट के मरने पर, और ख़ासतौर पे जो हमारा लोकल जहाँ का लड़का है उसके मरने पर तो बिल्कुल हम लोग दुख महसूस करते हैं। तो हम लोग उनको फिर से अपील करना चाहते हैं कि वो वापस अमन का रास्ता अख्तियार करें, और हम लोग अश्योर भी करना चाहते हैं कि हम हर तरीके से उनकी मदद करना चाहेंगे उनकी रिहैबिलिटेशन में। जहाँ को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी बड़े किसी जराय में, तो हम लोग कोशिश करेंगे। इस वक्त गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली फिर से रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को इस वक्त कंसिडर कर रही है। I would like to hear about it.